हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधुबाला स्वामी, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। और यहाँ पर मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे अंडर आर्म्स बनवाने, क्लीजिंग करवानी, स्क्रब करवाने, अपर लिप वगैरह बनवाने, और जो है जीरो मशीन मुझे सिखानी है। इससे पहले वाले ब्लॉग में जो है मैंने बताया था कि मैंने क्या क्या सिखाया था। नेल पेंट मैंने लगवाया था, मैनीक्योर करवाया था, और जो है अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि ये जो अगर मैं ये वाली क्लिप और ये वाले पूरे जो है वीडियो अगर उसमें जोड़ती तो ये बहुत लंबा हो जाता वीडियो, तो इसलिए मैंने इसको अलग रखा है ताकि अलग से जो है मैं इसको जो है अलग से एक ब्लॉग बना दूं। यहाँ पर मेरा मन नहीं था साड़ी पहनने का, लेकिन लड़कियों ने मुझे बहुत ज़बरदस्ती करके साड़ी पहना दी, क्योंकि मैंने मोनिका, निशा और मीनू को ऐसे ही बोला था कि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, लेकिन जो है शशि और नेहा ने मुझे ज़बरदस्ती साड़ी पहना दी। और गाइस मैं बता दूँ, मैं पेटीकोट ऊपर ही भूल के आ गई थी, लेकिन जो है लड़कियों ने साड़ी में गठान लगवा के और फिर जो है मेरे यहाँ पर जो है चुन्नट डाल दी और फिर साड़ी पहना दी। तो ये गाउन के ऊपर ही जो है साड़ी में गठान लगा दी, मतलब पेटीकोट बना दिया गठान लगा के। तो यहाँ पर विद्या के साथ मैं कैटवॉक कर रही हूँ क्योंकि नेहा जो है निर्देश दे रही है और शशि ने मुझे तैयार करा है, और मेरे बालों को जो लुक दिया है वो विद्या ने दिया था क्योंकि मैंने हेड मसाज पहले ही करवा ली थी। तो इस वजह से विद्या बोल भी रही थी, मैम आपने जो है तेल क्यों लगवाया, ऑयल क्यों लगवाया बालों में, लेकिन फिर भी जो है बाल धुले हुए से लग रहे थे कि गीले गीले हो और बालों को वॉश करा हो ऐसे बाल लग रहे थे। और मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं करा, केवल मांग भरी थी और जो है काजल लगाया था और लिपस्टिक लगाई थी बस। इसके अलावा मैंने कुछ भी मेकअप नहीं करा और ऊपर से जो है साड़ी के गठान लगा के और चुन्नट यानी पटलियां डाल दी और बस जो है ओपन पल्लू डाल लिया। तो लड़कियां ऐसे ऐसे बता रही थी मुझे, मैम ऐसे करो, मैम ऐसे करो, क्योंकि जो है नेहा वीडियो बना रही थी और वो ही कह रही थी मैम ऐसे करो ऐसे करो, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। और इसमें जूड़ा जो है विद्या ने बनाया था, ये एक तरफ जो है गाउन की आस्तीन है क्योंकि मैंने जो है ड्रेस चेंज करी नहीं थी, ना तो ब्लाउज पहना था ना पेटीकोट पहना था, ओनली जो है गाउन के ऊपर साड़ी पहनी थी। और ये साड़ी जो है 9 7 8 साल पुरानी है, 8 9 साल पुरानी तो है करीबन ये साड़ी, और जो है बहुत ही अच्छी, आधा अलग है इसका लुक और आधी साड़ी जो है अलग है, बहुत ही सुंदर ये साड़ी है और ग्रीन साड़ी है। ये परसों में पहनने वाली थी तो पहन नहीं पाई, तो लड़कियों ने आज जिद करके पहना दी और मीनू और मोनिका निशा को मैंने घर भेज दिया था कि बेटा मैं नहीं पहनूंगी साड़ी, और जो है निशा और नेहा ने बहुत ज़बरदस्ती करके पहना दी। कोई बात नहीं, बच्चों का मन था तो उन्होंने पहना दी, और फिर उन्होंने ही बोला मैम ऐसे करो ऐसे करो, इस हाथ को ऐसे रखो ऐसे करो। तो बस फिर मैं वही जो है वो कहती जा रही थी और मैं करती जा रही थी और बातें भी करती जा रही थी। तो आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ? मोटी तो मैं इसमें लग रही हूँ क्योंकि अभी जो है मेरा पेट जो है थोड़ा टम्मी निकल गई है, मम्मी के यहाँ से आई हूँ जब से जो है बहुत टम्मी मेरी निकल गई है, और वहाँ पर बहुत चरा था मैंने, मैं चपातियाँ जो है 3 4 5 खा जाती थी क्योंकि मम्मी के हाथ की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस तभी से जो है, और उसके बाद बारिश आ गई थी तो मेरा घूमना कम हो रहा था, और पूरे साल में घूमी हूँ सुबह, लेकिन अभी मेरे बेटे के जो एग्ज़ाम हैं इस वजह से वो नहीं जा रहा है और तो थोड़ा मेरा बंद हो गया। नीचे देखिए गाउन लटक रही है साड़ी के आगे क्योंकि लड़कियाँ कह रही है मैम साड़ी को ऐसे करिए, आप टीवी में देखते हो उस तरीके से करिए, देखिए गाउन लटक रही है नीचे की तरफ, और ये देखिए इस तरीके से हाथ को ऐसे करिए। वैसे फिर मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, उसके बाद में जो है लड़कियों ने फिर से जो है, देखिए आप खुद देख सकते हो कि केवल बिंदी मांग भर रखी है, काजल लगा रखा है, लिपस्टिक लगा रखी है, गले में पहन रखा है और बड़ी सी माला पहन रखी है मैंने, कानों के चेंज करवा दिए थे और हाथों की चूड़ियाँ एक हाथ में मैंने पहनी थी, और ये गाउन में जो है पोज लिए थे लड़कियों ने मेरे, तो बस बाल उन्होंने ही निकाले थे, ये लटे मेरे को तो अच्छे नहीं लगते, मुझे तो सिर दर्द हो जाता है, पर लड़कियों ने जो है मेरे बाल इस तरीके से आगे पीछे सब कर दिए थे। तो गाइज प्लीज, अगर मेरे चैनल में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे फेसबुक के पेज, इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और बस मैं हंस रही हूँ, वो ऐसे करिए हाथों को ऐसे करिए, गले पे लगाइए, गाल पे लगाइए, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, नीचे भी बैठी है, मैंने कहा मेरे से नीचे नहीं बैठा जाएगा भाई, मैं गिर जाऊंगी, अभी मोटापा बहुत ज्यादा हो रहा है मेरा,
बस मैं वही सोच सोच के हंस रही हूँ। और बस बहुत ही जो है, लड़कियां कह रही थी मैम आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। और बस ससी ने मुझे तैयार किया था, नेहा ने वीडियो शूट करा था, और बाल जो है मेरे विद्या ने जो है जूड़ा बनाया था। और बस ये देखिए आप, मैंने मांग भरी है, बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाया जो है लगाई है, बस काजल लगाया था। जो मेरा रोजमर्रा का मेकअप है वही मैंने किया था, क्योंकि मैंने गाल वाल पे कुछ भी अप्लाई नहीं करने दिया, न ही मैंने जो है आई शेडो लगवाया। बोलते हैं ना बुढ़ी घोड़ी जो है लाल लगाम, जब कहो जो है कौवा हंस की चाल चलने लग जाता तो वो अपनी चाल में भूल जाता, तो कुछ वैसा ही हाल मेरा था। लड़कियां मान नहीं रही थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि गाइस 38 मेरी एज हो चुकी है। और अब इस एज में जो है, वैसे तो बोलते हैं अगर इंसान अपने मन से जो है ठान ले कि वो बूढ़ा हो गया है तो बूढ़ा हो जाता है, और मन से अगर दुरुस्त है तो वो जवान ही रहता है। तो बस मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो वाला हाल है। लेकिन मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं कभी भी बिंदी और मांग हटने नहीं देती हूँ। हाँ वो कोई और बात है कि अगर बिंदी गिर गई है या, लेकिन मैं मांग और बिंदी कभी भी नहीं हटाती हूँ, चाहे वो लोग मुझे कुछ भी कहें। लोग आजकल मॉडर्न जो है ज़्यादा रहते हैं, मांग भी नहीं भरते, बिंदी भी नहीं। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी सोच, एज यू लाइक, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। जैसा कि मैं बोलती हूँ, लड़कियां मुझे मोबाइल दे रही है, बोले मैम ऐसे पोज दीजिए वैसे पोज दीजिए, लेकिन पेट कहाँ जाएगा, पेट तो दिख ही रहा है। बोल रही है बालों के हाथ लगाइए, बालों को इस तरीके से करिए, लट्टों को आगे करिए, पीछे करिए, पता नहीं क्या क्या लड़कियां पोज दिलवा रही थी। और बस कोई बात नहीं, मैं उनको खुश करने में लगी हुई थी कि बस हाँ लड़कियां जैसे तैसे खुश हो जाए। बस बोल रही है चेहरे को घुमाइए मैम चारों तरफ। और प्लीज़ गाइज जो है मुझे लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हाँ मुझे पता है कि मैं मोटी लग रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ऐसे कमेंट्स मत करिएगा, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि मेरी टम्मी निकल रही है। तो बस गाउन मेरी थोड़ी सी जो है नीचे लटक गई थी, क्योंकि जो इसके इलास्टिक के कंधे पे वो ढीली हो गई थी, मैं तो जो है क्लीजिंग करवाने आई थी, इस वजह से ये गाउन पहन के आ गई थी, मुझे पता नहीं था। और मेरी सब गाउन में सबसे फेवरेट गाउन जो है स्वामी जी की यही है, और स्वामी जी ने ही ये मुझे लाके दी थी, और सबसे जो है पसंदीदा गाउन स्वामी जी की यही है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसकी इलास्टिक ढीली हो गई, जैसे ही डाली और मैं तो आ गई थी फिर नीचे, क्योंकि क्लीजिंग मुझे करवानी थी। और बस जो है यहाँ पर ये पोज दे रही हूँ मैं, और आप बताइएगा। यहाँ पर जो है विद्या मेरे से बातें कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ड्रामा हो रहा है, और पीछे से आके शशि मुझे हाथ से ऐसे जो है ठपकार रही है, मतलब कंधे पे हाथ दिया, और मेरे को रिंग पहना रही है, मुझे प्रपोज कर रही है कि यू मैरी मी। तो मैं, और मेरे हाथों को चूम भी लिया उसने, किस करा, और बोल रही है यू मैरी मी, तो मैंने बोला यस, और बस मेरे गले मिल रही है। वो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, वो नाटक कर रही थी जो, पर बहुत मजा भी आ रहा था लड़कियों के साथ कभी कभी इंजॉय करने में। और लड़कियां जो है मेरी बहुत ही अच्छी है, सारी लड़कियां बहुत ही लविंग केयरिंग, बहुत ही अच्छी आज्ञाकारी लड़कियां हैं, और मुझे मम्मी समझती है, मैं उनको बेटी समझती हूँ, और बहुत ही अच्छे से ये कोर्स कर रही है। तो प्लीज़ गाइज इनको आत्मनिर्भर बनाने में मेरा सहयोग कीजिएगा, मुझे इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा, ताकि जो है लड़कियाँ आत्मनिर्भर बन सके। और प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आप खुद जानते हो कि 2012 के पहले से जो है मेरी सभी क्लासेस यहाँ पर निःशुल्क है, और जो है मैंने 900 लड़कियां पार्लर, 900 मेहंदी, और 350 बच्चे जो फ्री के निःशुल्क पढ़ा चुकी हूँ। और मैं नारी शक्ति